ओके, तो आप सभी लोग जो है सो पीडीएफ नोट्स देख पा रहे हैं। यस सर ओके, सो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक चेन पे स्टडी करेंगे। काइनेटिक चेन क्या होती है और उसकी फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है। और दूसरा हमने बताया था कि काइनेटिक चेन स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से इस काइनेटिक चेन का स्ट्रक्चर का और सुपर स्ट्रक्चर का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या कंसर्न है। ठीक है, सो सबसे पहले चेन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज की। चेन होता क्या है, सभी लोग जानते होंगे। चेन का मतलब होता है, बस अगर हम लिंक के चेन की बात करें तो फर्स्ट लिंक से सेकंड लिंक जुड़ा हुआ रहेगा। सेकंड लिंक इज कनेक्टेड टू द थर्ड लिंक, थर्ड लिंक इज कनेक्टेड टू द फोर्थ लिंक, एंड इन दिस वे द लास्ट लिंक विल आल्सो कनेक्टेड टू द फर्स्ट लिंक। देन वी विल से दैट ऑल दोज लिंक्स आर फॉर्मिंग द चेन। तो एक लिंक से दूसरा लिंक कनेक्टेड रहेगा, दूसरे से तीसरा रहेगा, और इस तरह से यदि लास्ट लिंक फिर पहले लिंक से जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो चेन है, सिंपल चेन होगा। लेकिन हम सिंपल चेन का स्टडी नहीं करते, हम यहाँ पे काइनेटिक चेन का डिस्कस करते हैं। तो उस चेन को हम लोग काइनेटिक चेन कहेंगे जिसके किसी भी लिंक का रिलेटिव मोशन किसी दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट कैटेगरी में हो। कंस्ट्रेंट कैटेगरी कहने का मतलब कि वही मोशन जो होगा ओनली वन टाइप का होगा, ठीक है, या फिर डिजायर्ड मोशन जो है किसी एक ही तरह का होगा, तो उस तरह के चेन को हम लोग कहेंगे काइनेटिक चेन। ठीक है, तो हम थोड़ा देर के लिए जस्ट इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि 50 लिंक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको देख के ये बता पाना कि वह काइनेटिक चेन है या नहीं है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि देख के बताने का मतलब हुआ कि आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि किसी भी दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन कंस्टेंट कैटेगरी में है या नहीं, ठीक है, और वो देख के बता देना वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। सभी लिंक का आपको सबको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए रिलेशनशिप इसके लिए दिया गया है। काइनेटिक चेन के लिए जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि L इक्वल टू 2p-4। यदि इस रिलेशनशिप को कोई भी काइनेटिक चेन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी मैकेनिज्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो काइनेटिक चेन है, ठीक है, जहां पे L इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ लिंक्स और P इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ काइनेटिक पेयर। ठीक है, और जो दूसरा रिलेशनशिप है जी इक्वल टू 3L/2-2, बहुत ही वाइटल ये दोनों रिलेशनशिप है। कई बार तो गेट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जे का और इसका रिलेशनशिप दे देता है या फिर ऊपर में दे देता है कंडीशन फॉर मैकेनिज्म इज, और कंडीशन फॉर काइनेटिक चेन इज देके और नीचे में दो तीन ऑप्शन दे देता है कि जे शुड बी इक्वल टू दिस, जे लेस देन इक्वल टू दिस, जे शुड बी ग्रेटर देन दिस, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस दोनों रिलेशनशिप को याद रखना है, ठीक है, लेकिन इस दोनों में जो जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है एप्लीकेशन जो होता है वो दूसरे वाले एक्सप्रेशन का होता है जो कि जे इक्वल टू 3L/2-2 है। इसका रीजन ये है कि पहले वाले एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए आपको जो है सो काइनेटिक पेयर का स्टडी करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या मैकेनिज्म में कितना काइनेटिक पेयर है, ठीक है, और फिर काइनेटिक पेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे वही एक जो है सो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन सा पेयर है जिसमें कि दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन जो है सो कंस्टेंट कैटेगरी का है। तो जो प्रॉब्लम वहां पे हमने बताया था कि मैकेनिज्म को देख के काइनेटिक चेन है कि नहीं बताना कठिन हो जाएगा क्योंकि कंस्टेंट कैटेगरी का मोशन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम यहाँ भी आ जाती है। जबकि दूसरा वाला एक्सप्रेशन में जो है सो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एल जो है सो ये नंबर ऑफ लिंक है जो कि आप आराम से काउंट कर सकते हैं उस मैकेनिज्म को देख के। अब जे है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइन, ये भी बहुत ही अच्छे से सुगम सरलता पूर्वक आप जो है सो काउंट कर सकते हैं कि कितना बाइनरी ज्वाइंट है। यदि किसी ज्वाइंट पे दो लिंक जुटा है तो एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, तीन लिंक जुटा है तो एक टर्नरी ज्वाइंट होगा जिसको कि हम लोग कंसिडर करते हैं कितना बाइनरी ज्वाइंट, दो बाइनरी ज्वाइंट। यदि किसी ज्वाइंट पे चार लिंक जुटा हुआ है तो
तो हम लोग उसको कहते हैं क्वार्टरनरी ज्वाइंट। और दैट क्वार्टरनरी ज्वाइंट, वन क्वार्टरनरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू थ्री बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी ज्वाइंट को काउंट करना और नंबर ऑफ लिंक को काउंट करना ज्यादा आसान हो जाता है इन कंपेयर टू काउंट द नंबर ऑफ काइनेटिक पेयर, ओके। सो अक्सर जो स्टूडेंट या फिर टीचर होते हैं वो दूसरे वाले एक्सप्रेशन को यूज करते हैं इसको ये करने के लिए, तो हम लोग फिर इसी एक्सप्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे थोड़ा सा काइनेटिक चेक। हाँ सर, वॉइस में वाइब्रेशन हो रहा है, अभी क्लियर हो रही है? तो काइनेटिक चेन को पता करने के लिए कोई भी दिया हुआ मैकेनिज्म काइनेटिक चेन है या नहीं है, अगर उसका पता करना होगा तो हम लोग ये वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, जे इक्वल टू थ्री एल बाई टू माइनस टू। याद रखना है दोनों एक्सप्रेशन को क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस रिलेशनशिप के भी बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अच्छा इसी में अगर इक्वलिटी हो गया, ये अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया तो वो काइनेटिक चेन हो जाएगा। यदि एल एच एस ग्रेटर देन आर एच एस हो गया, मतलब ये कि एक पर्टिकुलर गिवन नंबर ऑफ लिंक वाले मैकेनिज्म के लिए काइनेटिक चेन होना चाहिए, उसके लिए जितनी ज्वाइंट की जरूरत होगी, यदि उससे ज्यादा ज्वाइंट हो जाए तभी कहेंगे कि जे जो है सो ग्रेटर देन हो गया थ्री एल बाई टू माइनस टू, ठीक है। और उस केस में तब जो है वो कहलाएगा स्ट्रक्चर या फिर लॉक द चेन उसको कहेंगे, रिजिड फ्रेम भी कहेंगे उसको, और उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्सप्रेशन भी हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया तो काइनेटिक चेन होगा, एल एच एस ग्रेटर देन आर एच एस हो गया तो वह स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा या सुपर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि एल एच एस लेस देन हो गया आर एच एस तो वो अनकंस्ट्रेंट मोशन दे देगा, मतलब वो काइनेटिक चेन नहीं होगा, वो एक चेन होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल इस पे दिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है एक सिंपल फोर बार चेन है, एक लिंक दिया हुआ है जो कि फिक्स लिंक है, और ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा है, ये चौथा लिंक है, ठीक है। तो हम बताए थे कि मैकेनिज्म में जो फिक्स लिंक होता है उसको अक्सर हम वन कंसिडर करते हैं, लिंक वन, वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है ये पहला लिंक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा लिंक हो गया, ठीक है। तो ये जो चार लिंक का कॉम्बिनेशन है जो कि एक तरह का मैकेनिज्म होगा, इस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें या फिर सिंपली कहिए कि चेन इसको, क्योंकि पहला से दूसरा जुटा हुआ है, दूसरा लिंक से तीसरा लिंक जुटा हुआ है, तीसरा लिंक से चौथा लिंक जुटा हुआ है, फिर ये चौथा लिंक जो है सो पहला लिंक से जुड़ गया, ये जो है सो क्या हो जाएगा, एक तरह का चेन होगा। अब हम पता करना चाहते हैं कि ये चेन काइनेटिक चेन है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही है जो दूसरा वाला रिलेशन है, J equal to 3L by 2 minus 2, उसको हम लोग चेक करेंगे वो रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो J और L का वैल्यू इसमें से हम लोग पता कर लेंगे कि क्या है। तो L उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक, लिंक तो सिंपली यहाँ पे चूंकि बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है तो आप यहां से देख के पता कर सकते हैं कि एक दो तीन चार, एल का वैल्यू कितना हो गया, फोर हो गया, एंड जे इज नथिंग बट द बाइनरी ज्वाइंट। तो ये जो वन और टू लिंक का ज्वाइंट है ये एक बाइनरी ज्वाइंट हुआ, सिमिलरली टू और थ्री का जो ज्वाइंट है ये दो बाइनरी ज्वाइंट हो गया, ये तीन ज्वाइंट होगा और ये चार बाइनरी ज्वाइंट होगा, तो जे का वैल्यू भी चार हो गया, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है जे इक्वल टू थ्री एल बाई टू माइनस टू है, अब यहाँ से 3l by 2 minus 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, और j का भी वैल्यू 4 है, इसका मतलब कि LHS equal to RHS है, और जब LHS equal to RHS हो जाएगा तो हमने बताया था कि वो चेन क्या होगा, काइनेटिक चेन होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं दूसरे मैकेनिज्म में, मान लेते हैं कि ये तीन लिंक का एक चेन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे एल इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ठीक है, और बाइनरी ज्वाइंट कितना हो जाएगा इस केस में, एक यहाँ पे होगा बाइनरी ज्वाइंट, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो जे का भी वैल्यू थ्री हो गया। इस केस में आप अगर थ्री एल बाई टू माइनस टू का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 होगा, तो जबकि जे का वैल्यू कितना था, थ्री था। तो हम लोग देख सकते हैं कि जे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए या इस पर्टिकुलर चेन के लिए जे का वैल्यू थ्री एल बाई टू माइनस टू के बराबर नहीं है, तो जब नहीं है बराबर तो हम लोग कहेंगे कि ये काइनेटिक चेन
नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स अगर दिया हुआ है तो उसमें यदि j इक्वल टू 3 एल आई 2 माइनस 2 सेटिस्फाई है तो दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक चेन, और यदि नहीं हो रहा है दैट विल नॉट बी द काइनेटिक चेन, ठीक है। तो ये होगा क्या, काइनेटिक चेन नहीं होगा तो इसमें j का वैल्यू 3 आ रहा है और 3 एल आई 2 माइनस 2 का वैल्यू आ रहा है 2.5, इसका मतलब एल एच एस लॉक ग्रेटर देन आर एच एस, और अगर ये हो गया तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। j ग्रेटर देन दिस तो दिस मेजर स्ट्रक्चर, या इसी को फ्रेम कहेंगे या ट्रस कहेंगे, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक चेन जब होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक चेन हम लोग उसी को कहेंगे जिसमें रिलेटिव मोशन जो है सो कंस्टेंट कैटेगरी में होगा, मतलब ओनली वन टाइप का होगा, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इस चेन का स्टडी करते हैं, यहाँ भी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इस चेन में एल का वैल्यू 5 है, बाइनरी ज्वाइंट अगर काउंट करें तो वो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आरएचएस निकालोगे 3L/2 - 2 तो ये आएगा 5.5, जबकि एलएचएस का वैल्यू कितना है, 5 है, तो एलएचएस इज लेस देन आरएचएस, यानी जे लेस देन 3L/2 - 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तब अनकंस्टेंट चेन हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम, इसको थोड़ा सा जो भी हम एग्जांपल दिए इसको आप लोग क्लास खत्म होने के बाद घर में कीजिएगा अपने से, ठीक है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, एल का वैल्यू कितना है और जे का वैल्यू कितना है, ठीक है। लिंक काउंट करो क्या होगा, ये पहला एक पहला लिंक हो गया, एरो मार्क्स पे ध्यान देना, ये जहां जहां आगे बढ़ते जाएगा हम बताते जाएंगे कौन कौन लिंक है। इसको हम लोग लिंक 1 कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो एल का वैल्यू 10 होगा इस केस में, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हमने बताया था कि किसी भी ज्वाइंट पे यदि दो लिंक कनेक्टेड होगा तो एक बाइनरी ज्वाइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पिन ज्वाइंट है जहां पे एरो मार्क्स दिख रहा है वहां पे दो लिंक कनेक्टेड है, तो ये हो गया एक बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पे कितना लिंक है कनेक्टेड इस ज्वाइंट पे, 3 तीन लिंक है, तो मतलब ये हो गया कौन सा ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट। और एक ओके टर्नरी ज्वाइंट कितना बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है, दो दो। तो यहाँ पे हम लोग दो बाइनरी ज्वाइंट काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जे जो होता है उस एक्सप्रेशन में जे इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, तो दो बाइनरी ज्वाइंट होगा। सिमिलरली इस ज्वाइंट पे आ जाते हैं, हाउ मेनी लिंक्स आर कनेक्टेड एट दिस जॉइंट, थ्री थ्री लिंक, तीन सो दिस इज सो दिस इज आल्सो ए टर्नरी जॉइंट यस सर एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू टू बाइनरी जॉइंट। सिमिलरली हियर ये दो बाइनरी जॉइंट होगा, यहाँ भी दो बाइनरी जॉइंट होगा, यहाँ भी दो बाइनरी जॉइंट होगा और यहाँ पे भी दो बाइनरी जॉइंट होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट यदि हम लोग कंसिडर करें तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो होगा, दो यहाँ होगा 4, दो इधर होगा 6, 2 8, 2 10, 2 12 और यहाँ पे 1 हो जाएगा 13, ठीक है। तो जे का वैल्यू कितना हो गया, 13, और एल का वैल्यू 10, सबको क्लियर है। तो अगर आर एच एस का वैल्यू निकालोगे 3L/2 - 2 तो कितना हो जाएगा, 3L करोगे तो 30 / 2 15 - 2 13 हो गया, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स होगा या जो चेन होगा जो मैकेनिज्म होगा ये किस टाइप का हो जाएगा, चेन काइनेटिक चेन होगा, क्योंकि जे इक्वल टू 3L/2 - 2 आ रहा है, ठीक है, ये काइनेटिक चेन होगा। और काइनेटिक चेन हो गया मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 1। काइनेटिक चेन जो भी होगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, क्योंकि उसको काइनेटिक हम इसीलिए कर रहे हैं, कंस्टेंट मोशन है इसीलिए, ठीक है। अब जो ये दो एग्जांपल, हाँ क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसमें फिक्स्ड लिंक नहीं दिखाया गया सर। अभी हम फिक्स नहीं किए हैं, बस चेन की बात करें, इसी में से किसी एक को फिक्स कर दो तो तब इसको मैकेनिज्म कर देंगे, आप इसको फिक्स कर दो, इसको कर दो, ठीक है। जस्ट हम चेन का स्टडी कर रहे हैं, काइनेटिक चेन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल दिया हुआ है,
इसका सॉल्यूशन भी नीचे है, इसको आप लोग थोड़ा सा घर में देखिएगा, कुछ नहीं है, बस वही करना है, जे का वैल्यू काउंट करना है और एल का वैल्यू काउंट करना है, देख के ही क्लियर है। ऊपर वाले में जो है सो कितना था लिंक, 10 था। अब क्या किए, इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो उसी में एक और लिंक ऐड कर दिया, तो अब एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। और ज्वाइंट जो है सो एक यहाँ बढ़ जाएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब दो ज्वाइंट बढ़ जाएगा, तो जो एल पहले 10 था वो हो जाएगा 11, और जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 से बढ़ के हो जाएगा 15, तो मतलब L11 और J15, उसके लिए हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो काइनेटिक चेन होगा, कि फ्रेम होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बाया साइड वाला चेन का स्टडी करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक और लिंक बढ़ गया, इस ज्वाइंट को इस ज्वाइंट से कनेक्ट कर दिया, एक लिंक लग गया, ठीक है। इस तरह से हम लिंक दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिंक है डायगोनली, इसको ये लिंक टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से है, मतलब यहाँ पे कोई ज्वाइंट हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर दे दिया तो एक और लिंक बढ़ गया, मतलब अब हो जाएगा लिंक का वैल्यू कितना, 12 हो जाएगा, और ज्वाइंट भी दो बढ़ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 17, तो L12 और J17 के लिए यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको क्लास में कराया गया है, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा सा हमने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी चेन किस एक्सटेंट तक फ्री है मूव करने की, वही चीज है डिग्री ऑफ। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन और मोशन ऑफ बॉडी कंप्लीटली। तो देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। और मान लीजिए हम एक लिंक दिए हुए हैं सी डी, अभी हम प्लेन की बात करते हैं, किसी प्लेन का बात करते हैं, या कहिए कि 2D प्लेन की बात करते हैं। ये लिंक सी डी जो है कुछ इस पोजीशन में इस तरह से रखा हुआ है, अगर इस सी डी पर के किसी पॉइंट पी की पोजीशन को हमको डिफाइन करना हो तो ये डिस्टेंस बताना होगा और एक ये एंगल थीटा बताना होगा, ठीक है, तब जाके इसकी पोजीशन को हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 2D प्लेन में यदि कोई लिंक सी डी दिया हुआ है जो कि किसी दूसरे लिंक से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस लिंक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, एक्स वाई और थीटा। लेकिन इसी लिंक को यदि हम अटैच कर दें यहाँ पे कोई दूसरा लिंक डाल के उससे, समथिंग लाइक दिस, ये जो लिंक सी डी है इसको हम कनेक्ट कर दिए यहाँ से एक फिक्स लिंक से, ठीक है। तो जब हम कनेक्ट कर दिए तब केवल ये थीटा ही बताने से काफी हो जाएगा कि उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ डिटेल में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करेंगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है सो 2D प्लेन पे रखा हुआ है। 2D प्लेन मतलब, प्लेन का मतलब ये होता है कि 2 डायमेंशनल होगा, उसमें 2 डायमेंशन होगा, लेंथ और वेथ। तो आप जस्ट थोड़ी इमेजिन आप कर सकते हैं कि कोई टेबल है या फिर टेबल पे रखा हुआ कॉपी है, वो क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन होगा, उस पे कोई ऑब्जेक्ट को आप कितने तरह का मोशन दे सकते हैं ये बताइए। अगर उस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कौन कौन सा मोशन हो सकता है, एक तो वो ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और दूसरा एक्स वाई प्लेन पे वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये कहिए कि उसमें 2 ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, 2 टाइप का, और एक तीसरा जो है सो रोटरी मोशन हो सकता है। तो यदि किसी प्लेन में रखा हुआ है कोई लिंक, कोई एक पर्टिकुलर लिंक, जब तक वो किसी से अटैच नहीं है, किसी से कंबाइन नहीं है, ठीक है, तो उस बॉडी का या उस लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्पेस की बात करें, ठीक है, स्पेस मतलब रूम के सेंटर पे जो है सो कोई बॉल रख दीजिए, तो उस बॉल में मोशन कौन सा हो सकता है, एक तो एक्स एक्सिस में हम लोग उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं, एक वाई एक्सिस में ट्रांसलेट होगा, ठीक है, और एक जेड एक्सिस में मोशन हो सकता है, तो 3 ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अगर रोटरी मोशन की बात करें तो
तो एक हो जाएगा इस तरह का, दिख रहा है सबको हम जो हम हाथ से कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग इस टाइप का मोशन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग होगा और तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि स्पेस में रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें टोटल छह टाइप का मोशन हो सकता है, और इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई बॉडी स्पेस में रखा हुआ है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी, या 6 डिफरेंट टाइप का मोशन उसमें हो सकता है, 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटरी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कुछ इस तरह से हम यहाँ पे दिखाए हुए, यही कोई ऑब्जेक्ट है एक्स वाई और जेड, 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट स्पेस में जो है हम इसको रखे हुए हैं, इसकी मोशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है, एक जेड एक्सिस के अलोंग हो सकता है, और दूसरा तीनों एक्सिस के अलोंग रोटरी मोशन हो सकती है, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई एक लिंक फ्रीली थ्री डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। लेकिन जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मतलब ये कि वहां पे एक लिंक नहीं है, वो जो है सो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स है, और जब कॉम्बिनेशन होने लगेगा तो कुछ ना कुछ मोशन जो है सो उसका रेस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी मोशन रेस्ट्रिक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रीस्ट्रैंड्स, ठीक है। तो इन जनरल यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लिखना चाहे थ्री डायमेंशनल स्पेस मैकेनिज्म के लिए, तो वो हो जाएगा 6 माइनस रीस्ट्रैंड्स, मतलब अगर वो एक रहता तो टोटल 6 मोशन होता, ठीक है। एक नहीं है, एक से अधिक लिंक के साथ अटैच्ड है, तो कुछ मोशन उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जितना मोशन रेस्ट्रिक्ट होगा उसको 6 में से घटा देंगे, तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोशन दैट मे बी विद अ पर्टिकुलर लिंक, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रीस्ट्रेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रीस्ट्रेंट को हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे, और उसका जो है सो हम जनरल एक्सप्रेशन दिए हैं, एफ इक्वल टू 6 इंटू एल माइनस 1 माइनस 5 पी 1 माइनस 4 पी 2 माइनस 3 पी 3 माइनस 2 पी 4 माइनस पी 5। इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि एक मैकेनिज्म है जिसमें एल लिंक है, टोटल लिंक एल है, चूंकि हम कह रहे हैं कि वो एक मैकेनिज्म है, उस एल में से कोई एक लिंक तो फिक्स होगा, ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म है तो कोई एक लिंक फिक्स होगा, और यदि एक लिंक फिक्स है तो मतलब उस फिक्स लिंक का कोई मोशन नहीं होगा, उसके अलावे जो बच गया एल माइनस वन लिंक, यदि वो सारे इंडिपेंडेंटली स्पेस में रखा हुआ रहता तो टोटल मोशन होता 6 इंटू एल माइनस वन, ध्यान से सुनना। मैंने बताया कि यदि वो सारे लिंक एल माइनस वन लिंक इंडिपेंडेंटली किसी स्पेस में होता तो टोटल मोशन उसका होता 6 इंटू एल माइनस वन या डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन चूंकि वो मैकेनिज्म है इसका मतलब सभी लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ रीस्ट्रेंट भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि उस मैकेनिज्म में कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और उस पेयर का हम नाम दे देते हैं P1, ठीक है। तो एक इस टाइप का पेयर कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा? मेरे क्वेश्चन को समझो, मैं बोल रहा हूं कि P1 नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि यदि एक पेयर इस तरह का है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उस पेयर के द्वारा कितना मोशन रुकेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है मतलब एक ही रुकेगा ना सर। यदि स्पेस में रखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, हमने बताया कि यदि स्पेस में रखा हुआ है लिंक तो टोटल मोशन कितना हो सकता है? 6। और ये P1 पेयर ऐसा है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, फ्री रहता तो 6 मोशन हो सकता था, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब 5 मोशन को ये रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तभी तो केवल एक ही मोशन हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक P1 पेयर कितने मोशन को रोकेगा? 5 मोशन को, ठीक है। एक पेयर अगर इस टाइप का है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो 5 मोशन को रोकेगा। यदि P1 नंबर ऑफ पेयर इस तरह का हो उस मैकेनिज्म में तो कितने मोशन रुकेंगे? 5 इंटू P1, बात समझ में आया सबको?
यस सर, सिमिलरली हम एज्यूम करते हैं कि उस मैकेनिज्म में P2 पेयर्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो इस तरह के हर पेयर जो है सो चार मोशन को रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यदि फ्री रहता तो 6 मोशन होता, ठीक है, और यहाँ पे 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब 4 मोशन उसका जो है सो रुक रहा है, ठीक है, तो एक इस तरह का पेयर 4 मोशन को रोकेगा, और यदि P2 पेयर इस टाइप का है उस मैकेनिज्म में, तो 4P2 पेयर जो है सो सॉरी 4P2 मोशन जो है सो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर P3 है तो 3P3 मोशन रुक जाएगा। सिमिलरली 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले मोशन अगर पेयर यदि P4 नंबर में है तो कितना मोशन रुकेगा, 2P4, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, मतलब एक पेयर 2 मोशन को रोक रहा है, और अगर P4 नंबर ऑफ पेयर है इस स्टेप का तो 2P4 मोशन रुक जाएगा। सिमिलरली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले जो पेयर होंगे उसमें मोशन 5 तरह का होगा और रेस्ट्रिक्शन कितना होगा, 1 होगा, तो ये जितना रहेगा नंबर ऑफ पेयर इस स्टेप का उतना ही मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो अब अगर हम ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने लगे उस मैकेनिज्म का, तो 6 × L-1 तो टोटल नंबर ऑफ मोशन होता सभी लिंक के लिए जब इंडिपेंडेंट रहता तब, चूंकि इंडिपेंडेंट नहीं है सभी पेयर्ड में है, तो -5P1 -4P2 -3P3 -2P4 -P5, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ये डिपेंड करेगा इस चीज पे कि उसमें पेयर किस किस स्टेप का है, ठीक है। तो ये तो 3 डायमेंशनल स्पेस मैकेनिज्म के लिए हो गया। अगर 2 डायमेंशनल हम प्लेन मैकेनिज्म की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा ये बताइए, 2D में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंडिपेंडेंटली, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी मोशन कितनी हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकती है, तो चूंकि वो मैकेनिज्म है तो एक लिंक फिक्स रहेगा, मतलब L-1 लिंक ही है जिसमें की मोशन हो सकती है, तो 3 × L-1 टोटल नंबर ऑफ मोशन होता, ठीक है। अब उसमें हम मान लेते हैं कि P1 पेयर ऐसा है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 2P1 मोशन रुक जाएगा, ठीक है। P2 पेयर ऐसा है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो एक मोशन रुकता एक पेयर के लिए, इसलिए P2 पेयर के लिए P2 मोशन रुक जाएगा। तो फाइनली 2D प्लेन मैकेनिज्म के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, F=3 × L-1 − 2P1 − P2, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पुशबैक इक्वेशन, KUTZVACHS पुशबैक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये P1 कैसा पेयर है, P1 एक इस तरह का पेयर है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जितने लोअर पेयर हैं सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये P1 जो है दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लोअर पेयर, ठीक है, इसको J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये P2 जो है सो वैसा पेयर है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो ये हायर पेयर दे देगा, इसको हम हायर पेयर कर देते हैं, मतलब H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस तरीके से तब डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3 × L-1 − 2J − H, ठीक है। तो यही है आपका पुशबैक इक्वेशन, अगर कोई पूछ दे तो F=3 × L-1 − 2J − H होगा। बताने दीजिए बता रहे हैं आपको, जहां पे F हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2D प्लेन मैकेनिज्म, L हो जाएगा नंबर ऑफ लिंक, J हो जाएगा लोअर पेयर नंबर ऑफ लोअर पेयर, और H हो जाएगा नंबर ऑफ। चलिए बताइए किसको क्या कंफ्यूजन है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से बोलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका 1 है उसको लोअर पेयर कैसे बोले सर, नहीं लोअर पेयर जो भी होता है ना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, कल हम बताए थे अगर टर्मिनल पेयर है, मान लीजिए दो पेन को हम इस तरह से जो है सो पिन ज्वाइंट कर देते हैं, दिख रहा है, यस सर, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे पिन ज्वाइंट लगा देते हैं तो टर्मिनल पेयर हो गया, ठीक है। अब आप बताइए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, इसमें एक्स मोशन हो सकता है, नहीं होगा, एक्स मोशन तब होगा जब ये ज्वाइंट खत्म हो जाएगा टूट जाएगा तब, तो जब तक ये ज्वाइंट है टर्मिनल पेयर में है जब तक ये दोनों पेन, तो एक्स एक्सिस में मोशन नहीं हो सकती, वाई में भी नहीं हो सकता, जेड में भी, केवल यही एक मोशन है जो कि हो सकती है रोटरी मोशन, यस सर, ठीक है। आ ये इस टाइप का भी मोशन नहीं देगा, ऐसे भी नहीं घूमेगा, क्यों,
तो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगी लोअर पेयर हो जाएगा जिस पेयर का, और जो पेयर जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू दे देगा उसको हायर पेयर का देंगे, एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 2D प्लेन मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा f इक्वल टू 3 इनटू l माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस h होगा, व्हिच इज नथिंग बट द कुजलेट इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी कम टू द टॉपिक ग्रेवलर्स क्राइटेरियन फॉर प्लेन मैकेनिज्म। थोड़ा सा कुछ नहीं किया है, वही कुजलेट इक्वेशन को ये थोड़ा मैनिपुलेट किया, सिंपलीफाई कर दिया है। ग्रेवलर साहब साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया, कुजलेट इक्वेशन का यूज किया जो कि f इक्वल टू 3 इनटू l माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस h होता है। तो अब ये स्टडी किया फोर बार चेन। ठीक है, फोर बार चेन में क्या होता है कि चार लिंक होता है और चारों जो है सो एक दूसरे से टर्निंग पेयर के थ्रू जुटा हुआ रहता है, समथिंग लाइक दिस। ये बोलो, इसी को हम लोग फोर बार चेन कहते हैं। तो अगर इस चेन की बात करें तो इस चेन में हायर पेयर कितना है, इस फोर बार चेन में बताइए हायर पेयर कितना है, फोर से फोर यस ऐसे। कल भी हम बताए थे कि जो टर्निंग पेयर है ये आपका सरफेस कांटेक्ट करता है, लोअर पेयर होता है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टर्निंग पेयर जो है सो लोअर पेयर होता है, तो ये चारों आपका लोअर पेयर है। यस सर, हायर पेयर एरिया। ठीक है, और तो इसका मतलब हायर पेयर इसमें जीरो है। हाँ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वन निकला था, हम बताए थे कि जी माइनस टू आ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट चेन है, तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो गया। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर केस के लिए ग्रेवलर साहब ने स्टडी किया कि यदि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा चेन हो जिसमें कि हायर पेयर हो ही नहीं और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो, तो उसके लिए मैंने क्या जो है सो क्राइटेरिया हो सकती है, उसकी क्या पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये सबसे सिंपल चेन है, एकदम बेसिक चेन है, इससे बेसिक नहीं हो सकता है। क्यों इसको हम सिंपल फोर बार चेन कहते हैं ये भी हम आगे बता देंगे उसी एक्सप्रेशन में, उसी क्राइटेरिया में। ठीक है, तो ग्रेवलर साहब क्या किए थे, कुजलेट इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। ठीक है, जो कि f इक्वल टू 3 इनटू l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h होता है। अब इन्होंने उस काइनेटिक चेन का स्टडी करना शुरू किया जिसमें कि कोई भी हायर पेयर नहीं होती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। इसका मतलब f इक्वल टू 1 हो जाएगा और h इक्वल टू 0। इस दोनों वैल्यू को जब आप इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1 इक्वल टू 3 इनटू l माइनस 1 और माइनस 2j, तो 1 इक्वल टू हो गया 3l माइनस 3, इस ब्रैकेट को हटाओगे तो मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में, माइनस 3 माइनस 2j। ठीक है, इस 3 को ले आओ इधर LHS में, 1 प्लस 3 इक्वल टू 3l माइनस 2j। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट 3l इक्वल टू 2j प्लस 4। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये 3l इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू j प्लस 2। अब इस इक्वेशन पे हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ग्रेवलर साहब भी जो है सो फाइनली इस इक्वेशन पे पहुंचे थे और इसी पे स्टडी करके उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया। ठीक है, वो क्या है उसको उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इस RHS को देख के ये तो पता चल रहा है कि जो RHS में टर्म है दिस इज एन इवन नंबर, क्योंकि ये है 2 इंटू जे प्लस 2, तो जे का वैल्यू चाहे कुछ भी हो फाइनली ये 2 इंटू जे प्लस 2 जो होगा सो इवन नंबर ही होगा, ये तो क्लियर है। और RHS को इवन नंबर होने के लिए L शुड बी इवन, बात समझ में आ रहा है सबको, RHS इवन तभी होगा जब L का वैल्यू इवन होगा, और L का वैल्यू इवन क्या सब हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8 यही हो सकता है ना। मतलब शुरू में इन्होंने कंडीशन लिया था, एक ऐसा काइनेटिक चेन को कंसीडर किया था जिनकी की हायर पेयर की संख्या जिनमें जीरो हो। ठीक है, चूंकि काइनेटिक चेन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन ही होगा। मतलब ये कि विदाउट एनी हायर पेयर जो काइनेटिक चेन होगी उसके लिए एल का वैल्यू यही सब हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8, 10।
बात समझ में आ गई। तो यदि एल का वैल्यू ये सभी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा काइनेटिक चेन देगा जिसमें एक भी हायर पेयर नहीं होगा। ये चीज क्लियर है सबको? अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एल जीरो का मतलब क्या होगा। एल जीरो अगर हो जाए तो इट मींस, बताइए, एल जीरो का मतलब हो गया कि उसमें कोई लिंक है ही नहीं, और अगर कोई लिंक नहीं है तो वो काइनेटिक चेन होगा नहीं, नहीं होगा। और इसलिए हम कहते हैं, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर दिए, इसलिए हमने ये कहा कि एल का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब टू पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि एल का वैल्यू टू हो सकता है क्या, क्योंकि एक्सप्रेशन से तो एल का वैल्यू एक्सप्रेशन से बस इतने निकाल पाए हम लोग कि एल जो है सो इवन नंबर हो सकता है। इवन में ये सारी चीजें हो सकती है। अब जीरो एल नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि जीरो अगर हो गया तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं हुआ। टू हो सकता है क्या? अगर टू हो गया, नंबर ऑफ लिंक टू हुआ, तो चेन का फॉर्मेशन होगा। चेन के लिए हम क्या करें, पहला लिंक दूसरा से जुटेगा, फिर दूसरे को पहले से जुट जाना चाहिए, तो दो रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, कम से कम तीन चाहिए, तो ट्रायंगुलर वे में जो है सो तीनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो दो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एल का वैल्यू जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो सकता है, और इवन नंबर हो सकता है। एल का वैल्यू चार, छह, आठ, दस कुछ भी हो सकता है, यानी एल मिनिमम जो है सो फोर होगा। इसका मतलब ये कि वैसा काइनेमेटिक चेन जिसमें एक भी हायर पेयर नहीं हो, उसके लिए कम से कम चार नंबर ऑफ लिंक होना चाहिए। और इसी तरह के काइनेमेटिक चेन को कहा जाता है फोर बार चेन, या फिर क्वाड्रिक साइकिल चेन, या फिर सिंपल फोर बार चेन। बात समझ में आ गया? तो अगर कहीं पे फोर बार चेन लिखा है, क्वाड्रिक साइकिल चेन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है एकदम सिंपल चेन है, चार लिंक होगा और चार टर्निंग पेयर होगा, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब अभी जो कुछ भी हम लोग डिस्कस किए हैं उसका समरी बस यही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर जीरो आ गया तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो फ्रेम होगा या फिर स्ट्रक्चर होगा, या उसी को ट्रस करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े। और यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन जीरो हो गया तो इट विल बी अ सुपर स्ट्रक्चर, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो क्या सब हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, इस तरह से जीरो से ज्यादा क्वेश्चन क्वांटिटी हो सकता है, या कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के वैल्यू पे स्टडी कर रहे हैं। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हुआ तो एक कैसा चेन होगा, इसी चेन को हम लोग कहेंगे काइनेटिक चेन। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वन का मतलब हो गया कि डिजायर्ड मोशन जो है एक ही टेक रहा है, तो ये काइनेटिक चेन हो गया। टू थ्री फोर हुआ तो अनकंस्टेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम टू थ्री फोर आ रहा है, इसका मतलब कि डिजायर्ड मोशन जो है एक से अधिक टेक रहा है, तो वो कहलाएगा अनकंस्टेंट चेन। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्टडी। अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक चेन। एक टाइप तो हमने बता दिया कि फोर बार चेन होता है, जिसमें क्या होगा, फोर बार चेन में क्या होगा, एक भी हायर पेयर नहीं होगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा, क्योंकि काइनेटिक चेन है। मतलब ये कि फोर बार चेन में चार लिंक होगा और चार टर्निंग पेयर होगा। ठीक है, और जो आगे दो चेन है वो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होगा कि एक जो है सो स्लाइडिंग पेयर उसमें होगा, पिस्टन सिलेंडर टाइप का रहेगा। ठीक है, तो फोर बार चेन में जो है सो केवल चार टर्निंग पेयर होगा। सिंगल स्लाइडर करंट चेन में आपको एक स्लाइडिंग पेयर दिखेगा, बाकी तीन टर्निंग पेयर हो जाएगा, और डबल स्लाइडर में दो स्लाइडिंग पेयर आएगा और दो जो है सो टर्निंग पेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी अगर 40 हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करने के लिए सफिशियंट टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा